दोस्तों यहाँ पे KTM की दो बहुत ही प्रीमियम बाइक है, एक है KTM की ड्यूक 200 और एक है KTM की ड्यूक 250। यहाँ पे दोस्तों बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है दोनों बाइक के बीच में कि हमें दोनों में कौन सी बाइक लेनी चाहिए। देखिए, अगर आपका बजट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है आप ड्यूक 200 ले लोगे, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास 2.5 लाख है, 2,60,000 मैं स्पेंड कर सकता हूँ, मैं ड्यूक 250 भी खरीद सकता हूँ, तो फिर थोड़ा सा कन्फ्यूज होने लगता है कि हमें कौन सी बाइक दोनों में परचेज करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोनों बाइक के बीच में मैं कंपेरिजन करने वाला हूँ कि ड्यूक 200 में आपको क्या अच्छा मिलता है, ड्यूक 250 में आपको क्या अच्छा मिलता है, दोनों में कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है, कंप्लीट आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात करते हैं ड्यूक 200 वर्सेस 250। अगर आप लोगों को दोनों को बाइक के बारे में अच्छी तरीके से जानना है तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, वरना आप आधा देखते हैं फिर नीचे कमेंट करके कमेंट में पूछते हैं तो फिर इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होती, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे दोनों बाइक के प्राइस कंपैरिजन के बारे में, कितना प्राइस डिफरेंस आपको दोनों बाइक के बीच में मिलता है। देखिए, आपको क्लियर करना चाहूँगा, मैं आपको ऑन रोड प्राइस बता रहा हूँ, तो ऑन रोड प्राइस हर एक स्टेट में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि RTO एंड इंश्योरेंस चार्जेस में आपको थोड़ा डिफरेंस मिलता है। ड्यूक 200 हमारे यहाँ 2,14,000 रुपये ऑन रोड आती है, ड्यूक 250 हमारे यहाँ 2,62,000 रुपये ऑन रोड प्राइस आ जाती है। जी हाँ, लगभग ये ऑन रोड प्राइस आपको मिलता है। अब अगर प्राइस डिफरेंस देखेंगे तो लगभग 48,000 से 50,000 रुपये, जी हाँ 48,000 से 50,000 रुपीज़ के आसपास का जो प्राइस डिफरेंस है दोनों बाइक में आपको मिल जाता है, जो कि काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है भाई। लेकिन 250 में अगर आप 50,000 रुपये ज़्यादा डाल रहे हैं तो आपको उसमें चीज़ें भी क्या मिलेगी वो भी मैं आपको बताऊँगा आज की इस वीडियो में। चलिए सबसे पहले बात करते हैं दोनों बाइक के इंजन के बारे में। देखिए, इंजन टाइप तो दोनों में सेम मिलता है, सिंगल सिलेंडर 4-स्ट्रोक लिक्विड कूल FIDOS इंजन दोनों ही बाइक में आपको मिलता है, लेकिन एक तरफ है 200 एक तरफ है 250, तो पावर में आपको डिफरेंस मिलेगा। ठीक है, एक तरफ आपको देखने को मिल रहा है लगभग 25 के आसपास का PS पावर, जी हाँ ड्यूक 200 में 25 BHP का पावर मिलता है, लेकिन ड्यूक 250 में आपको 30 PS का पावर मिलता है। जी हाँ, 30 BHP की बाइक है, तो पावर में आपको काफ़ी डिफरेंस मिलेगा, जब आप चलाएंगे तो वो चीज़ आपको फील भी होगा। ड्यूक 200 में 19.3 के आसपास का टॉर्क मिलता है, ड्यूक 250 में आपको 24 के आसपास का टॉर्क देखने को मिल जाता है, तो पावर में आपको काफ़ी डिफरेंस है, टॉर्क में भी आपको काफ़ी बड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। तो यहाँ पे ड्यूक 250 में आपको बहुत बड़ा एडवांटेज है कि बाइक की जो पावर एंड परफॉर्मेंस है भाई साहब, वो आपको नेक्स्ट लेवल मिलेगी। दोनों बाइक में आपको लिक्विड कूल मिलता है, तो दोनों का आप लोगों को देखने को मिल रहा है रेडिएटर, जो कि काफ़ी अच्छा है। प्लस आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, दोनों बाइक में नंबर ऑफ 6 स्पीड गियरबॉक्स देखने को मिलते हैं। जी हाँ, दोनों ही बाइक में आपको 6 गियर देखने को मिलते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, ड्यूक 250 में आपको एक एडवांटेज है, उसमें आपको स्लीपर क्लच मिलता है, लेकिन इसमें आपको वेट मल्टीप्लेट क्लच मिलता है, तो बहुत बड़ा एडवांटेज आपको ड्यूक 250 में मिलेगा। उसकी जो गियर शिफ्टिंग है वो आपको काफ़ी अच्छी एक्सट्रीम लेवल की बेटर देखने को मिलेगी, गियर शिफ्टिंग बहुत ही स्मूथ रहती है स्लीपर क्लच की वजह से, ये बात को आप ध्यान में रखिएगा, जो कि ड्यूक 200 में आपको ये चीज़ नहीं मिलती है। अब दोस्तों बात करें दोनों बाइक के माइलेज के बारे में। माइलेज हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि आपको आजकल पता है कि इंडियन मार्केट में पेट्रोल का प्राइस क्या हो चुका है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग ये है कि भाई अगर हम कोई एक स्पोर्ट बाइक ले रहे हैं खासकर, तो हमें माइलेज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है कि भाई माइलेज हमें दोनों बाइक कितना प्रोवाइड कर सकती है। देखिए, पहले आप एक बात को ध्यान रखिए, अगर आपको माइलेज वाली बाइक चाहिए तो फिर आपको पावर को इग्नोर करना पड़ेगा, पावर आपको नहीं मिल सकता। और अगर आपको पावर चाहिए तो फिर आपको माइलेज को इग्नोर करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है भाई, अगर बाइक में आपको ज़्यादा पावर मिलता है तो फिर वो माइलेज कम देगी। ठीक है, देखिए ड्यूक 200 आपको ऑलमोस्ट 35 के आसपास का जो माइलेज है वो आपको प्रोवाइड कर देगी, ड्यूक 250 में ज़्यादा फर्क नहीं है, 30 के आसपास का जो माइलेज है वो आपको ड्यूक 250 में देखने को मिल जाता है। ठीक है, 30 का माइलेज 35 का माइलेज तो उतना डिफरेंस नहीं है, लेकिन पावर, हाँ भाई, जब आप रोड में दोनों बाइक को चलाएंगे तो पावर में आपको काफ़ी डिफरेंस दोनों बाइक में पता चलेगा। फ्रंट में आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं दोनों बाइक के सस्पेंशन के बारे में। देखिए, सस्पेंशन में दोस्तों दोनों बाइक में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बाइक में आप लोगों को WP के USD फॉक्स यानी कि अपसाइड डाउन सस्पेंशन मिलते हैं, काफ़ी प्रीमियम सस्पेंशन, और परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी बेटर मिलेंगे। बात करें ब्रेकिंग के बारे में, तो ब्रेकिंग में दोस्तों एक छोटा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है आपको बताना चाहूँगा। इसमें आप लोगों को ड्यूक 200 में फ्रंट में 300mm की प्लेट मिलती है, लेकिन ड्यूक 250 में 320mm की प्लेट मिलती है, तो इसकी जो प्लेट साइज़ है वो थोड़ी सी बड़ी है। तो यहाँ पे दोस्तों जो ब्रेकिंग है वो आपको थोड़ी बेटर मिल सकती है 250 में। बाकी एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम दोनों में डुअल चैनल मिलता है, जी हाँ, फ्रंट ABS रियर ABS दोनों का काम करेगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको 4 पिस्टन कैलिपर दोनों बाइक में मिलते हैं, मतलब एक कैलिपर है और पिस्टन 4 है, वो आपको सेम मिलता है। बात करें टायर्स के बारे में, तो टायर्स भी आपको सेम मिलेंगे, सेम MRF के दोनों के टायर है, साथ आपको फ्रंट में 110/70 का टायर दोनों में मिलता है, 17 इंच व्हील के साथ में आता है, ट्यूबलेस टायर आपको दोनों में मिलेगा।
अब आते हैं इसके इलेक्ट्रिकल्स में, जो कि मेजर आप डिफरेंस आपको बाइक में मिल सकता है, सॉरी मिलता है, जो कि एक मेजर डिफरेंस है। मेजर मतलब बहुत बड़ा डिफरेंस आप कह सकते हो। मेन रीज़न है KTM Duke 250 का सेल होने का, वो है दोस्तों इसके LED लाइट्स। अब दोस्तों देख पा रहे हैं इसमें आप लोगों को फुली LED लाइट मिलती है, लेकिन ड्यूक 200 में आपको हेलोजन लाइट देखने को मिलती है, ठीक है। DRL लाइट दोनों की LED है, लेकिन जो मेन लाइट है आप देख पा रहे हैं ड्यूक 200 में हेलोजन बल्ब मिलता है, लेकिन ड्यूक 250 में आपको फुली LED लाइट देखने को मिलती है। ये वही सेम लाइट है जो कि KTM की ड्यूक 390 में भी आती है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ड्यूक 250 जब आई थी BS6 में, और उससे पहले भी जब आती थी, तो उसमें भी आपको इसमें सेम हेलोजन लाइट मिलती थी, लेकिन बीच में KTM ने अपडेट करके इसमें फुली LED सेटअप ला दिया, और जब से बाइक की जो सेलिंग है ना भाई, वो नेक्स्ट लेवल हो गई है। बहुत ज़्यादा लोग तब से बाइक को पसंद कर रहे हैं। बात करते हैं इसके इलेक्ट्रिकल्स के बारे में, तो देख पा रहे हैं LED टर्न सिग्नल लैंप मिलते हैं, जो कि काफ़ी बेटर लगते हैं, और वो दोनों में सेम मिलेगा। फ्रंट लुक में मेजर डिफरेंस होता है लाइट की वजह से, मिरर आपको दोनों में सेम देखने को मिल जाते हैं। अब आते हैं रियर में। रियर में दोस्तों देख पा रहे हैं दोनों में टेल लाइट जो है वो LED देखने को मिलती है, काफ़ी बेटर लगती है। दोनों में सेम आपको लाइट मिलेगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, टेल लाइट LED है और दोनों का लुक भी सेम है। बात करें टायर्स के बारे में, तो रियर में आपको 150/60 के टायर मिलते हैं, 17 इंच व्हील के साथ में आते हैं, ट्यूबलेस टायर है, काफ़ी बेटर टायर मिलेंगे। प्लस आप लोगों को रियर में दोनों में 230 mm की डिस्क प्लेट देखने को मिलती है। और अगर बात करें सस्पेंशन के बारे में, तो दोनों में WP के मोनोसॉक सस्पेंशन मिलते हैं। रियर सस्पेंशन आपको दोनों बाइक के बेटर मिलेंगे, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करती, काफ़ी कम्फर्टेबल राइड कर पाओगे। बात करें दोस्तों सीट के बारे में, सीट में देख पा रहे हैं दोनों में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिलता है। जी हाँ, दोनों की जो सीट है स्प्लिट है, लेकिन एक डिफरेंस हम आपको बता दूं, इसमें आप लोग देख रहे हो थोड़ा सा अलग लुक मिलता है, और इसमें आपको नॉर्मल लुक मिलता है सीट में, तो थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आपको ड्यूक 250 में मिल जाएगा। बात करें दोस्तों टैंक कैपेसिटी के बारे में, तो टैंक कैपेसिटी दोनों की सेम है, 13.5 लीटर जो पेट्रोल है, आप एक बार में दोनों बाइक में फ्यूल करा सकते हो। बाकी लुकिंग वाइज तो मैं 250 जो है बेटर लगती है, ग्राफिक भी उसका एक्चुअल में थोड़ा सा बेटर लगता है 250 का, बाकी डिपेंड करता है आपको दोनों में कौन सी पसंद है। बात करते हैं दोनों के स्पीडोमीटर के बारे में, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में। देखिए इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है वो दोनों में ना सेम मिलता है, डिफरेंस नहीं है, बट थोड़े से फीचर्स में आपको डिफरेंस मिलेगा। क्या डिफरेंस मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन लुकिंग वाइज अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। दोनों का स्पीडोमीटर ऑलमोस्ट सेम है, फुली डिजिटल मीटर आपको दोनों बाइक में मिलता है, ठीक है। अब देख पा रहे हैं स्पीडोमीटर आप लोग, इसमें फुली डिजिटल मीटर मिल रहा है। फीचर्स क्या क्या है, ये आपका RPM मीटर है, ये आपका गियर इंडिकेटर है, ये आपका स्पीडोमीटर है, इंजन टेम्परेचर है, ये आपका फ्यूल इंडिकेटर है, यहाँ पे आपको मिल जाता है क्लॉक, देख पा रहे हैं ये क्लॉक है, ठीक है। यहाँ पे आपको इन्फो में क्या क्या मिलता है, ट्रिप वन ट्रिप टू मिलता है, साथ ही ध्यान रखिए डिस्टेंस टू एम्प्टी इंडिकेटर, एवरेज फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर, कितना माइलेज दे रही है, इस पेट्रोल में कितना चलेगी, लोअर इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर, ये सारे फीचर्स मिलते हैं। अब ड्यूक 250 में दोस्तों आपको एक बहुत अच्छा मिलेगा कि इसमें आपको मोड मिलता है सुपर मोटो, सुपर मोटो मोड है उसमें नहीं आता। इसका खास बात क्या है कि इसका जो आप रियर ABS है उसे आप ऑफ कर सकते हैं, बट उसको ऑफ नहीं कर सकते, तो एक एडवांटेज आपको ये 250 में मिल जाता है। बात करें दोस्तों दोनों बाइक की सीट हाइट के बारे में, तो 822 mm, जी 822 mm के आसपास की दोनों की सीट हाइट है, लेकिन मान लीजिए अगर आपके 8.5.2 है उससे ऊपर है तो आप बाइक को राइड कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो ये था दोस्तों KTM Duke 200 वर्सेस KTM Duke 250, दोनों में कौन सी बाइक आपको ज़्यादा बेटर लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझसे पूछोगे अकॉर्डिंग टू मी, तो भाई थोड़ा 40-50 से ज़्यादा डालो और Duke 250 ले लो भाई, ये बाइक लोगे ना तो आपको आने वाले समय में अपग्रेड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो एक टाइम पे ना हमें पावर कम करने लगता है, लेकिन Duke 250 के साथ में ऐसा नहीं होगा। सो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी, क्योंकि वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके, ना आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सकें।